चौधरी देवीलाल की जयंती पर INLD की सम्मान रैली से कांग्रेस ने न्योते के बावजूद दूरी बना ली। इसको लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की JDU और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार यानी 25 सितंबर को तंज कसा। रैली में मौजूद रहे TMC के सांसद डेरेक ओब्रायन ने बिना नाम लिए कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि BJP को हराने के लिए बड़े दल अहंकार छोड़े, ईगो अपनी जेब में रखें। उन्होंने इस दौरान महिला आरक्षण को जुमला बताया और नए संसद भवन को होटल करार दिया। वहीं INLD के मंच से TMC के बाद JDU ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। JDU नेता KC त्यागी ने बड़ा बयान देते हुए कहा, हरियाणा में जीतने के लिए INLD और ओम प्रकाश चौटाला के इर्द गिर्द रहना पड़ेगा। हम 10 की 10 सीट BJP से हारने को तैयार हैं, लेकिन सीटें बांटने को तैयार नहीं हैं। INLD के बिना एकता न यहाँ होगी न दिल्ली में होगी। नीतीश कुमार, RJD चीफ लालू यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, NCP चीफ शरद पवार, पूर्व CM उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी, तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता रैली में नहीं पहुंचे। इंडिया गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, JDU से KC त्यागी, RLD से शाहिद सिद्दीकी और TMC से डेरेक ओब्रायन रैली में शामिल हुए। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के अलावा BJP नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह भी रैली में पहुंचे। बता दें कि सम्मान रैली में शामिल होने के लिए INLD के नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर न्योता दिया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके TV पर भी। अपने स्मार्ट TV पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।